हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको JSO के बारे में बताऊंगी। JSO यानी कि जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने JSA भी बताया था, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेम वही है ये ही चीज़ कि जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है वो वही है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना कि वहाँ पे कितने हैजार्ड हो सकते हैं और जो भी हैजार्ड हैं उन्हें आप एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। JSO जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है, ठीक है। अब JSO क्यों बनाया गया? देखिए, कोई भी काम चल रहा है, इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है, अब वहाँ होने वाले जो कैटेगरीज ऑफ एक्सीडेंट हैं, उनसे होने वाले जो हार्म हैं वो कैसे डिस्क्राइब हों, कैसे पता चलेगा कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने हार्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें एग्जैक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं वर्क प्लेस पर, हमने पहले उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। और उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, ये देखा कि जो भी काम किया जा रहा है उसमें एग्जैक्टली एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। तो अगर हम कोई काम स्टार्ट होने से पहले वहाँ जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कर लें कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें कितना ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वहाँ कितने एक्सीडेंट हैं, ठीक है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे कितना हार्म हमें हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम कोई काम शुरू हो रहा है उससे पहले ही हम इसे ऑब्जर्व कर लें तो हम बहुत हद तक क्या, एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं ना। तो यही इसमें बताया गया है, इसलिए ये जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। इसमें इसका पूरा पूरा जो एम है, ठीक है, वो यही है कि हमें एक्सीडेंट रोकने हैं, हमें ऑब्जर्व करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है उस वर्क प्लेस का, हमें इस तरीके से ऑब्जर्व करनी है सारी चीज़ें कि जो भी वहाँ वर्क कर रहा है फिर उसको कोई हार्म ना होने पाए, ठीक है। तो इससे फिर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। जब हम जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट्स रुकेंगे, जो जॉब हो रही है उसमें पूरी पूरी सेफ्टी रहेगी, ठीक है। साथ ही एक इफ़ेक्टिवनेस ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो क्या होगा, उससे सीधे सीधे डेडिकेशन मिलेगा, काम करने का तरीका मिलेगा, किस तरीके से उस वर्क को करना है वो हमें मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई भी तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है, अनसेफ वर्क अगर हो रहा है कहीं भी, तो क्या है, हम ट्रेनिंग जब देंगे तो क्या होगा, उस इंसान को ट्रेनिंग से ये पता चलेगा कि हाँ इस काम को इस तरीके से किया जाता है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, होने वाले एक्सीडेंट्स हम रोक पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है बेनिफिट हमें मिला, जब हमने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारी ये सारी चीज़ें करने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया कि क्यों हो रहे हैं। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि अगर हम JSO करते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, मतलब जहाँ वर्कर को काम करने जाना है हम पहले उस पर एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, किस वजह से हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसके लिए क्या कंट्रोल कर पाएंगे, एक्सीडेंट कंट्रोल कर पाएंगे। और जब हम एक्सीडेंट कंट्रोल करना शुरू कर लेंगे तो क्या होगा, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स रोक पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके का क्या एक जॉब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है फॉर्म बनता है, जैसे कि जॉब टास्क क्या है, किस डेट को ये ऑब्जर्व किया गया, टाइमिंग क्या है, ठीक है, किस एम्प्लॉय ने किया, कौन सुपरवाइज़र उसके साथ था, ठीक है, वहाँ पे SOP जो है वो JSA और SOP मेंटेन हो रही है या नहीं, ठीक है। JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो की है और SOP जो आपने SOP बना रखी है वो फॉलो हुई या नहीं, ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन वहाँ क्या क्या देखी गई, इस तरीके से एक फॉर्म बनाया जाता है जिसमें सारी चीज़ें फिल हो जाती हैं और उस फॉर्म पे पहले कमेंट किया जाता है कि ये चीज़ें देखी गई हैं, उसके बाद जो चीज़ें देखी गई हैं उनमें सुधार लाया जाता है, उसके बाद जो पर्सन है वो वर्क करने जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, विजिट टू इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें ये बताया गया है किस तरीके से प्रोसीजर रहता है, ठीक है। एनालाइज करना है हमें सारी यूनिट्स, कितने करंट स्टेट यूनिट्स, मतलब क्या क्या वर्क चल रहा है, इसको आप अपने इंडस्ट्री वर्क प्लेस से रिलेट कीजिएगा। विजिट किया इंडस्ट्री में, एक्सीडेंट्स देखे, ऑब्जर्व किया, हैजार्ड्स देखे, ऑब्जर्व किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि एग्जैक्टली जो हैजार्ड हैं उनमें किस तरीके से सेफ्टी रख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दी अपने वर्कर को, SOP बनाई, ट्रेनिंग दी, काम करने का तरीका बदला, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटिंग की, ठीक है, जो भी चीज़ें की उनमें काम किया,
उनके ऊपर काम किया और बेनिफिट्स और रिजल्ट फिर हमने खुद देखे कि हमारे क्या क्या उसमें बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, हमारे रिजल्ट क्या क्या रहे। क्योंकि सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज जब एक बार हो जाता है तो क्या कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल करना ज़रूरी है। रिस्क कंट्रोल हुई तो हमें उस तरीके को, जो भी हमने उस काम को करने के लिए एसओपी बनाई है, उसे मेंटेन करना ज़रूरी है, उस पर वर्क करना ज़रूरी है, उसके तरीके से काम करवाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, आप बताइए। तो इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि जो भी आप कर रहे हैं ओवरऑल, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट सीधे सीधे कहीं ना कहीं उन पे पड़ता है, और जो ट्रेनिंग वो लेते हैं उससे उन्हें वर्क करने का तरीका पता चलता है, सेफ्टी मेंटेन रखने का तरीका पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से क्विक सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कार्ड भी बनता है। इसमें भी वही सेम है, ऑब्जर्व किसने किया, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस एरिया में हुई थी, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए JSO में यही है कि JSA अगर आप किस पहले आप JSA करते जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फिर JSO आपने किया, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का। ठीक है, वही चीज़ें ऑब्जर्व करना एनालाइज करना सेम चीज़ें होती हैं, पर क्या होता है इसका एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है JSA, जो भी आपने किया उसके लिए JSO का। ठीक है, उसमें आपने एक्सीडेंट्स आपने चेक किए कितने हैं, किस तरीके से हैजार्ड हो रहे हैं, प्रिवेंशन आप क्या क्या रख सकते हैं, फॉलो हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जॉब पे कोई भी जॉब आप करने जा रहे हो उसमें सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है कि किस हद तक एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस हद तक आप रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो यही मैंने आज आपको बताया कि JSO के बेनिफिट क्या हैं। आपके पूरे वर्क प्लेस पे इससे बेनिफिट दिखाई देंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे तो वर्क पावर इंक्रीज़ होगी, वर्क पावर इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। और एक्सीडेंट्स कम रहने से आपको जो आपकी कंपनी को जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रॉफिट गेन करना, ठीक है, उसका लेवल हाई हो जाना, मार्केट में अच्छी वैल्यू हो जाना, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो मेन यही है कि जब एक्सीडेंट कम होंगे तो काम पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, है ना। तो यही आज मैंने आपको बताया JSO के बारे में। So thank you.